हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेकंड ऑफ द 12th क्लास केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज सॉल्यूशंस. इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. Molality of the solution may be defined as the number of grams moles of the solute dissolved in 1000 gram or 1 kg of the solvent. ठीक है, molality of solution क्या है आपके पास, जब 1 kg solvent में आपके कितने grams moles सॉल्यूट के प्रेजेंट है. ठीक है, जो आपका मोलैरिटी था, मोलैरिटी ये है स्मॉल एम कैपिटल एम. मोलैरिटी क्या था आपका, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने ग्राम्स ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें हमने देखना है सॉल्वेंट में, और इसमें टोटल आपके जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसमें कितने ग्राम्स ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी में हमने टोटल वॉल्यूम लिया था. ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना है. ठीक है, वॉल्यूम या मास. ठीक है, नाउ फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी, स्मॉल एम इज इक्वल टू ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, अगर आपके पास केजी में गिवन नहीं है तो आप सबसे पहले तो ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करना है आपने. गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट्स इन ग्राम अपॉन मोलर मास. ठीक है, ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जब ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपने फाइंड आउट करना है तो गिवन मास जो सॉल्यूट का ग्राम्स में गिवन है अपॉन मोलर मास. ठीक है, मोलर मास से डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम में अगर आपका गिवन है तो आपने 1000 से उसको डिवाइड कर देना है. ठीक है, यूनिट क्या है आपकी मोलैरिटी की, ग्राम्स मोल्स पर केजी. और आपकी जो मोलैरिटी की थी वो क्या यूनिट थी, ग्राम्स मोल्स पर लीटर. ठीक है, और मोल्स पर लीटर. ठीक है, साथ साथ आपने डिफरेंस भी देख लेना है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है. ठीक है, ये क्या है आपके पास सॉल्यूट 5.3 ग्राम. ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पुट करना है. ठीक है, आपके पास गिवन है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो ग्राम्स में गिवन है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट क्या है आपके यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो ये कितना है 5.3 ग्राम. ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, अब टोटल आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 106 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, ग्राम पर मोल 106. ठीक है, अब आपने डिवाइड करना है. ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, वाटर आपके पास, तो ये है आपके पास 200 ग्राम. ठीक है, ऑफ द वाटर ये क्या है गिवन ग्राम्स में, तो आपने केजी में चेंज करने के लिए इसको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या आ गया केजी में. ठीक है, 200 से ये कैंसिल हो गया, तो ये 5.3 ग्राम से ग्राम अपॉन 106 पर मोल अपॉन 0.2 केजी, ये आ जाएगा, कन्वर्ट हो गया केजी में. ठीक है, तो
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.05 मोल अपॉन 0.2 केजी। तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.25 मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये क्या है, न्यूमेरिकल मोलैलिटी के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपके पास, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो आपने सिमिलरली यूज़ करना है। तो ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट का मास है, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी, सॉल्वेंट का मास क्या है, 75 ग्राम, मतलब बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और इथेनोइक एसिड आपका क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला यही पुट करना है, एम इज इक्वल टू जो आपका, आपके पास ये है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, तो गिवन मास कितना है, 2.5 ग्राम, ठीक है, अपॉन आपने मोलर मास निकालना है इथेनोइक एसिड का। तो मोलर मास क्या आ जाएगा, 12 प्लस, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है आपके पास प्रेजेंट, 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है प्लस 1 हाइड्रोजन, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 60 ग्राम आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो 60 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना पर मोल, अपॉन, अब आपके पास सॉल्वेंट का मास क्या है, 75, ये ग्राम्स में गिवन है तो आपने केजी में चेंज करना है, डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका केजी में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपके पास ये क्या आ गया, 2.5 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 60 पर मोल अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा 0.075 केजी, ठीक है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 0.556 मोल पर केजी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जो जो आपकी मोलैरिटी है इसको किससे डिनोट करते हैं, हम कैपिटल एम से, और जो मोलैलिटी है उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से, ठीक है। तो कैपिटल एम जो है वो क्या है, ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो जो आपके पास मोलैरिटी है, कितने ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, और जो आपके पास मोलैरिटी है वो क्या है, ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन केजी और ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। तो आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पे हम मोलैलिटी में टोटल जो वॉल्यूम लेते हैं वो सॉल्वेंट का लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे है टोटल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं मोलैरिटी में, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप कंसीडर करते हो, लेकिन जो आपकी मोलैलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल वॉल्यूम आपका सॉल्वेंट का कंसीडर होता है, ना कि
सॉल्यूशन का, ठीक है. इन मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंसीडर, वाइल इन मोलैरिटी द मास ऑफ द सॉल्वेंट टेकन इन अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद राइज टेम्परेचर. ठीक है. जो आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या है, इंक्रीज करता है विद मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर. ठीक है. ये इंक्रीज करेगा, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी राइज मतलब इंक्रीज करेगा आपका. देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज. फिर क्या है, जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो उसका जो अमाउंट है नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, डिक्रीज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. ठीक है. एज द रिजल्ट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज. इसका क्या रिजल्ट होगा कि मोलैरिटी जो आपकी डिक्रीज करेगी. ठीक है. मोलैरिटी भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी. बट सॉल्वेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता मोलैलिटी में. ठीक है. देयरफॉर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज. तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो आपकी मोलैरिटी है यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. ठीक है. ये क्या करेगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपका इंक्रीज करेगा. मींस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके प्रेजेंट सॉल्यूट के वो क्या है, डिक्रीज करेंगे. डिक्रीज करेंगे तो टोटल जो आपकी मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. मींस इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. और इट इज़ जो आपकी मोलैलिटी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास जो डिफरेंस है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो आपके पास मोलैरिटी है. ठीक है. जब भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो जो मोलैलिटी है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी. क्योंकि सॉरी आपकी जो मोलैरिटी है, ठीक है, वो आपका बेटर ऑप्शन है. मोलैलिटी, ठीक है, बेटर ऑप्शन टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मींस जब भी आपने क्या है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की तो एज कंपेयर टू मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी इज बेटर ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड विद टेम्परेचर. ठीक है. जब भी टेम्परेचर राइज करेगा तो मोलैलिटी पे इसका क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट जो मोलैरिटी है यहाँ पे क्या है, रिजल्ट में वेरिएशन हो जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ सॉल्यूशन आपका एक्सपेंड करता है, मींस इंक्रीज करता है. और आपके जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो नंबर ऑफ मोल्स आपके डिक्रीज करते हैं. ठीक है. और दैट मींस जो आपकी मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज करती है. ठीक है. तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो जो आपकी मोलैरिटी है वो बेटर ऑप्शन है. ठीक है.